हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स के। तो इसमें जो मैंने आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, इसमें सिर्फ मैंने आंसर द फॉलोइंग के ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। जो आंसर इन डिटेल या डिसएग्री और एग्री के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन किसके हैं, ये आंसर दी फॉलोइंग के क्वेश्चंस है। और आंसर दी फॉलोइंग का जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में आने वाला है उसमें आपको 5 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको any 3 सेलेक्ट करने हैं और any 3 ही आपको एग्ज़ाम में लिखने हैं। और एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, आपका 4 मार्क्स का होगा। तो 3 क्वेश्चंस कितने मार्क्स के हो जाएंगे, ऑल टोटल मिला के आपको 12 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग का आएगा। एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं करा है पहले लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे नोटिफिकेशन पे टच करना है, जिससे आपको आने वाले फ्यूचर में नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के इस वीडियो में मैंने आपको टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन भी दिए हैं और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हैं। आपने देखा होगा कि आपकी सॉल्व एक्सरसाइज में हर चैप्टर में आंसर दी फॉलोइंग के क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसमें मैंने आपको जो टेक्स्ट बुक के अंदर के भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपको फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वेल्थ। अब आप कहेंगे कि आपको यहाँ पे आंसर नहीं मालूम है, तो आपको क्या करना है, सॉल्व एक्सरसाइज की वीडियो के जो मैंने लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए, तो आपको वहाँ से सॉल्व एक्सरसाइज की वीडियो देखनी है तो आपको ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ वेल्थ, ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन वांट्स। यहाँ पे आपको जो कैरेक्टरिस्टिक है, कैरेक्टरिस्टिक की यहाँ पर जो कैरेक्टरिस्टिक ये जो वर्ड है यहाँ पे आपको रिप्लेस करके सिग्निफिकेंट, ये सिग्निफिकेंट ऑफ ह्यूमन वांट्स भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक वर्ड रिप्लेस होगा बस, कैरेक्टरिस्टिक की जगह यहाँ पे आएगा सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन वांट्स, तभी भी आपको सेम ही आंसर लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बताने हैं और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 टाइप्स के होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेनर। और लेबर को हम किस में पेमेंट करते हैं, वेजेस में। और ऐसे ही करके हमारे जो क्लासिफिकेशन है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, उसका भी मैंने सॉल्व एक्सरसाइज की वीडियो में आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अच्छे से एक्सप्लेन करे हैं, तो आप वहाँ पर जाके अच्छे से देख सकते हैं और सीख सकते हैं। अगर जिसने भी सॉल्व एक्सरसाइज की वीडियोस नहीं देखी हैं, चैप्टर 1 या 2 किसी की भी नहीं देखी, तो अवेलेबल हैं, आप जाकर देख सकते हैं ईजीली, ठीक है। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ वांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th, एक्सप्लेन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी। अब ये जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी है, इसमें आपको प्राइमरी फंक्शंस जो है मनी के उनको एक्सप्लेन करना है पहले, फिर सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ मनी जो है उनको शॉर्ट में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। लेकिन आपको दोनों भी करना है, प्राइमरी भी और सेकेंडरी भी। और इसके अलावा आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन दी कंटिजेंसी फंक्शन ऑफ मनी। कंटिजेंसी फंक्शन ऑफ मनी भी आपको एक्सप्लेन करने के लिए अलग से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। लेकिन प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पर आपको डिफ़िकल्टीज इन बार्टर सिस्टम पूछा गया है। तो डिफ़िकल्टीज इन बार्टर सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफ़िकल्टी इन बार्टर सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ मनी। यहाँ पे आपको क्वालिटीज़ ऑफ मनी बताना है, ठीक है। बिल्कुल भी यहाँ पे आपको टाइप्स ऑफ मनी एक्सप्लेन नहीं करना है, क्वालिटीज़ ऑफ मनी डिफरेंट क्वेश्चन है और जो टाइप्स ऑफ मनी है वो क्वेश्चन एकदम डिफरेंट है। तो यहाँ पे आपको क्या पूछा है, यहाँ पे आपको क्वालिटीज़ पूछा है, जो मनी की क्वालिटीज़ होती है जैसे ड्यूरेबिलिटी होती है, ये सारी की सारी क्या होती है, ये क्वालिटीज़ ऑफ मनी होती है। तो यहाँ पे आपको क्वालिटीज़ याद रखना है और अच्छे से क्वेश्चन रीड करना है एग्जाम में और अच्छे से आंसर लिखना है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रोल ऑफ कोऑपरेटिव मूवमेंट्स इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन टू डेवलप सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन महाराष्ट्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर दी टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट पूछा, तो आपको टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट एक्सप्लेन करना है अच्छे से। नेक्स्ट यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है
व्हाट आर दी सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट. अब ये सोर्सेस अलग है, ठीक है. टेक्स्ट बुक में आपको अच्छे से हेडिंग में दिया है सोर्सेस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट, वो अलग से स्टडी करना है आपको. नेक्स्ट यहाँ पर आता है कि एक्सप्लेन द थ्री स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के भी मैंने आपको थ्री स्टेजेस अच्छे से एक्सप्लेन करी, आपको वो अच्छे से लिखनी है. थ्री स्टेजेस होती हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की. नेक्स्ट आता है कॉजेस ऑफ हाई बर्थ रेट इन इंडिया. यहाँ पे आपको हर एक कॉज अच्छे से बताना है कि बर्थ रेट के जब हाई बर्थ रेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है. तो इसके बहुत सारे कॉजेस दिए गए टेक्स्ट बुक में, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट. अब ये देखिए आप रूरल अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन के अंदर इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर इंडस्ट्रियल के टाइप्स आपको अलग से दिए गए हैं. तो इंडस्ट्रियल के जो टाइप्स हैं वो अलग से स्टडी करने हैं और वो भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे अलग से क्वेश्चन बना के दिया है. नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट आर एक्सप्लेन दी रूरल एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट. अब ये रूरल और अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट को आपको अलग अलग से एक्सप्लेन करना है. पहले रूरल को एक्सप्लेन करना है, उसके टाइप्स लिखने हैं, फिर अर्बन को एक्सप्लेन करके उसके टाइप्स लिखने हैं, ठीक है. नेक्स्ट है क्वेश्चन व्हाट आर द वेरियस कॉजेस ऑफ पॉवर्टी. यहाँ पे आपको डायरेक्टली इन शॉर्ट में यहाँ पे कॉजेस ऑफ पॉवर्टी एक्सप्लेन करने हैं, सारे के सारे कॉजेस एक्सप्लेन करने हैं. अभी 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो आपको कितने हैं, अगर 7 to 8 तो आपको अच्छे से लिखने ही है. शॉर्ट में भी लिख सकते हैं चलेगा, लेकिन आपको अच्छे ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है. यहाँ पे 17th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी. यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी पूछा है, कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी. तो कंसेप्ट में क्या क्या लिखेंगे, एक रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी का जो कंसेप्ट है वो दोनों भी एक्सप्लेन करना है, दोनों भी एक्सप्लेन करना है, एक मत करके आना. एब्सोल्यूट भी करना है, रिलेटिव भी करना है, दोनों भी दोनों कंसेप्ट किसके हैं, पॉवर्टी के हैं. पहले पॉवर्टी एक्सप्लेन करेंगे, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट रिलेटिव पॉवर्टी एक्सप्लेन करेंगे. तो ये क्या है, ये कंसेप्ट ऑफ पॉवर्टी है. नेक्स्ट है यहाँ पे आपको प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ये तीनों भी अच्छे से करके जाना है. इनमें से तो एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो डिसएग्री एग्री में क्वेश्चन आएगा, मतलब आपके पेपर में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये इतने अच्छे से करके जाना है कि कोई भी क्वेश्चन आए, आंसर द फॉलोइंग में आए, आंसर इन डिटेल में आए, किसी में भी क्वेश्चन आए, आपको लिखने आना ही चाहिए. लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन, ये तीनों भी बहुत ईजी हैं. मैंने 12 एक्सरसाइज की वीडियो में भी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख सकता है. नेक्स्ट यहाँ पर 19th क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग के फीचर्स क्या है वो आपको अच्छे से लिखने हैं. नेक्स्ट है यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग, ठीक है ना. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग. यहाँ पे स्ट्रक्चर पूछ रहा है तो स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करना है, ठीक है. यहाँ पे फंक्शंस ऑफ नीति आयोग नहीं लिखना है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग लिखना है कि स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है. चेयरमैन होते हैं, फिर उनके अंदर सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं, क्या होता है, ये स्ट्रक्चर होता है नीति आयोग का, ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ शेयर विथ ऑल योर फ्रेंड्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.